कॉलेज की इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट की होती है, जिसमें ब्यूटी कोई फर्स्ट सेकेंड ईयर की एक्सपैट बाप की पतलो सुक्को स्मार्ट सी दुबई रिटर्न किस्म की हसीनो जमील बच्ची होती है। इन ब्यूटीज की पर्सनैलिटी में अपनी ब्यूटी के अलावा और कोई काबिले जिक्र ट्रेट मौजूद नहीं होती, और ये अक्सर हर कॉलेज पार्टी में 50 शेड्स ऑफ पिंक में से कोई एक शेड पहने हुए पाई जाती हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। ब्यूटी की एक शनाख्ती अलामत यह भी होती है कि रात को 2 बजे के बाद उसके कमरे में जाओ तो उसने मोटे शीशों वाली ऐनक लगाई होती है, पर उसकी ब्यूटी में कोई कमी नहीं आती। ब्यूटी वो बच्ची होती है जो ऊंची हील पहन के बाजार में 2 घंटे टकाटक वॉक कर सकती है, जबकि आप फ्लैट जूते पहन के अपने कमरे में फर्नीचर के साथ ठुड्डे खा रहे होते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। और 20 सीनियर लड़कों की गिटार बरदार फौज का एक ऐसा सिपाही होता है जिसके पास गिटार के अलावा अपनी डेथ स्टेयर होती है, जिससे वो लड़कियों को स्टन एंड पिथ करने का हुनर जानता है। वैसे सियानों का कहना है कि गिटार एक इंतहाई सेफ इंस्ट्रूमेंट है बजाने के लिए, क्योंकि सुनने वाली 80% लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि ये बुरा बज रहा है या बहुत बुरा बज रहा है। बीस्ट एक इंतहाई मामूली और इंतहाई गैर काबिल जिक्र किस्म की शख्सियत का मालिक होता है, जिसको पता नहीं लड़कियां क्यों इतना पसंद करती हैं। है वैसे बम निका सारा। इन बीस के चक्कर में ये ब्यूटीज कैसे और क्यों कर फंस जाती हैं, इस बारे में कुछ डिसाइसिवली कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुनने में आया है कि ये बीस्ट अक्सर गल्लां बड़िया सोनिया करते ने। मेरा मीठा बेबी हो तुम, बहुत मीठा, शायद लगे हुए हैं तुम्हारे साथ। ब्यूटी अपने इस रिलेशनशिप को इंतहाई टॉप सीक्रेट रखती है, क्योंकि पहले उसका एक बॉयफ्रेंड नज़र लगने की वजह से ब्रेकअप कर चुका होता है, इसलिए वो दोबारा ये चांस नहीं ले सकती। और वैसे भी बीस्ट के बारे में किसको बताए। सीन ऑन होने के बाद ब्यूटी अक्सर अपने मोबाइल को देख के शर्माती और मुस्कुराती रहती है, और जब पूछो तो कहती है कि अपनी बहन से बात कर रही है। वो मेरी बहन है, उसके साथ बात कर रही हूँ। या कभी जून जुलाई की तपती हुई गर्मी में भी आप उसके एसी लगे हुए ठंडे ठार कमरे के अंदर जाओ तो रात में लिहाफ के अंदर घुस के टक 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 मैसेजेस कर रही होती है अपनी बहन को। रब ने सोना मौका बनाता है तेरे माँ प्या नू भी टाइम सिर सो आता है जनू तेरे डॉगी नू भी मैं नशे वाला बिस्कुट पाता है। बीस के रवैये में यह तब्दीली आती है कि वो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट पूंडर बन जाता है, और उसके अक्सर इक्वली बीस्टी दोस्त उसको ऐसे ऐसे कोनियाँ मार के ब्यूटी के गैंग की तरफ इशारे करते हुए नज़र आते हैं। क्लास की दरमियाने दर्जे की चंद कोजी कोजी लड़कियाँ इस सीन के ऊपर इंतहाई गहरी नज़र रखे हुए होती हैं, कभी वो बीस्ट की पूंडी करते हुए पाई जाती हैं और कभी ब्यूटी की ताड़ में रहती हैं। हाय अल्लाह, देख तो कैसे कड़ा ताड़ है, मुझे तो क्यूट सा लगता है, निका सारा बंदर। तौबा कर, नाखून पे रख के बंदा इसे टिच कर दे, बंदर मुआ। तू तो बीबी किसी बाबे से दम करा, तौबा ये क्यूट है, अल्लाह माफी दे। उस चमक छलो को भी तो जरा देखना, उसे लगता है मैं कुछ नजर नहीं आता, सब नजर आता है, ये आंखें तो फिर सब कुछ देखती हैं ना।